नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि दिन भर स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल खबरों से मैं आपको अवगत कराता हूं, तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों, यहां पे अगर सबसे पहली खबर की बात करते हैं तो वो भारतीय एयरफोर्स को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आज तेजस की दूसरी स्क्वाड्रन को भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया है। वायुसेना प्रमुख ने तेजस विमान से उड़ान भरी। देश में इस वक्त चीन और नेपाल से बॉर्डर पर हो रहे तनाव को लेकर चर्चाएं जारी हैं और इसी बीच आज स्वदेशी विमान तेजस की दूसरी स्क्वाड्रन वायुसेना में शामिल हो चुकी है। इस स्क्वाड्रन का नाम फ्लाइंग बुलेट्स दिया गया है, जिसकी शुरुआत वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया जी ने की है। खुद वायुसेना प्रमुख ने तेजस विमान से उड़ान भरी है। ये नई स्क्वाड्रन एलसीए तेजस विमान से लैस है। तेजस को उड़ाने वाली ये वायुसेना की दूसरी स्क्वाड्रन है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि वायुसेना ने हल्के विमान तेजस को एचएएल से खरीदा है। अगर लड़ाकू विमान तेजस की बात की जाए तो ये एक चौथी पीढ़ी का हल्का विमान है। इसकी तुलना अपने जनरेशन के फाइटर जेट से सबसे हल्के विमान के तौर पर होती है। स्क्वाड्रन की कमी से जूझ रही वायुसेना को इसी साल 36 राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप फ्रांस से मिलने जा रही है। इसी बीच तेजस की नई स्क्वाड्रन का शामिल होना काफी राहत भरी खबर है। वायुसेना में तेजस की नई स्क्वाड्रन की एंट्री तब हो रही है जब भारत, चीन और नेपाल के साथ तनातनी है। यही नहीं, लद्दाख में चीन और भारत के सैनिक आमने सामने आ चुके हैं, जिसके बाद बॉर्डर पर जवानों की संख्या भी बढ़ चुकी है और इसके अलावा भारत ने भी अपनी क्षमताओं को उस इलाके में बढ़ाया। यानी कि दोस्तों, सेकंड स्क्वाड्रन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था भारतीय वायुसेना में शामिल करने के लिए और ये एक तरीके से काफ़ी राहत भरी बात है, क्योंकि दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि तेजस जो हल्का विमान है वो काफ़ी अच्छा माहिर है पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध करने के लिए, और साथ ही इसे उसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि ये पहाड़ी इलाकों में भी बेहतर ढंग से अपनी प्रदर्शन को साबित कर सके और बेहतर तरीके से दुश्मन के इलाकों को तबाह कर सके। अगली खबर की बात करते हैं तो वो सीमा पर तनाव को लेकर आ रही है, यानी कि एलएसी को लेकर। लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच तनाव जारी है और तनाव का आलम ये हो चुका है कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन और भारत की सेनाएं एक बार फिर से आमने सामने हैं। भले ही चीन ने सीमा पर अपनी सेना की तैनाती बढ़ा दी है, मगर भारत भी पीछे रहने वाला नहीं है। भारत ने भी चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कमर कस ली है और भारत ने भी चीनी सेना के बराबर अपनी सेना वहां पर तैनात कर दी है। इस कदम के साथ ही भारत ने अपना स्टैंड स्पष्ट कर दिया है कि अब वहां चीन से गतिरोध से एक कदम पीछे हटने वाला नहीं है। भारत ने पूर्वी लद्दाख के तनाव वाले इलाके में चीन के साथ गतिरोध से अब पीछे ना होने का फैसला कर लिया है। काराकोरम दर्रा और इस क्षेत्र में तैनात चीनी सैनिकों का मुकाबला करने के लिए भारत ने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। सूत्रों की माने तो भारत ने यह फैसला भारतीय क्षेत्र में किसी भी तरह की चीनी घुसपैठ और भारतीय इलाके में स्थिति परिवर्तन की कोशिश को नाकाम करने के उद्देश्य से लिया है। मजबूती और संयम के साथ चीनी चुनौती का सामना करने के लिए भारत ने भी अपनी सेना की संख्या बढ़ा दी है। अभी हाल ही में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में काफी हाई लेवल की मीटिंग भी हुई, जिसमें पूर्वी लद्दाख के गालवान घाटी और पेंगोंग झील इलाके में भारत और चीन के सैनिकों के बीच तनाव की स्थिति और एलएसी पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रक्षा विभाग के प्रमुख सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी बैठक में शामिल थे। दोस्तों, इसी बीच अमेरिका की तरफ से भी बयान आया, खासकर कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। आपको मालूम है कि चीन हर दो देशों के बीच में अड़ंगा लगाने के लिए काम करता रहता है और अड़ंगा लगाने की कोशिश करता है। जैसे वो भारत और पाकिस्तान के बीच में कहता है कि हम कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता करने वाले हैं, अब यही सेम स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप का भी आया है। उसने कहा कि हम गतिरोध को कम करने के लिए अगर भारत और चीन चाहे तो हम बीच में आकर स्थिति को सामान्य कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर अमेरिका का एक तरीके से आप स्टैंड देख सकते हैं कि किस तरीके से दो देशों के बीच में टांग अड़ाना वाली बात हो रही है, और टांग अड़ाने का मतलब ये है कि वहाँ पर अपना वर्चस्व दिखाना, खासकर कि ये शो ऑफ करना कि हम दो देशों के बीच कैसे शांति व्यवस्था बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगली खबर की बात करते हैं तो भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना और एचएएल के बीच में फिर से एक टकराव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना अपने HS-748 टर्बोप्रॉप ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को रिटायर करना चाहती है, जिसे मूल रूप से ब्रिटिश विमान निर्माता एवरो ने बनाया था और उसके बाद एचएएल ने इसे लाइसेंस के तहत निर्माण करना इसका शुरू कर दिया था। लेकिन एचएएल कह रहा है कि हम अगले दो दशक तक इसे चालू रखने की योजना पर काम कर रहे हैं, क्योंकि हम इसमें नए सुरक्षा उपकरण लगा रहे हैं, साथ ही नए मानकों के हिसाब से इसे आधुनिक बनाने का काम कर रहे हैं। जबकि भारतीय वायुसेना ने कहा कि वे SS-748 एवरो बीड़े को आधुनिक बनाने के लिए एचएएल द्वारा प्रस्तावित अपग्रेड योजना को स्पष्ट रूप से खारिज कर रहे हैं। यानी कि भारतीय वायुसेना ने इस प्रोजेक्ट को खारिज कर दिया है, साथ ही इसकी जगह एयरबस C-295 को भारतीय वायुसेना चुनने वाली है। लेकिन एचएएल ये तर्क दे रहा है कि एवरो को
एक मध्यम आकार के एरोप्लेन के रूप में डिजाइन किया गया था, इसीलिए अभी इसका जो लाइफ टाइम है वो काफी ज्यादा है। साथ ही उन्होंने कहा कि उम्र के बढ़ने से विमान के एयरफ्रेम के साथ उसका कोई लेना देना नहीं होता है। HS-748 एवरो बेड़े में रियर रैम रोड की कमी के कारण बड़े पैमाने पर ट्रूप्स और VVIP को परिवहन के लिए इस्तेमाल किया गया है, लेकिन भारतीय वायुसेना इस विमान को लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट के रूप में इसकी सबसे बड़ी कमियां बताती है। आपको बता दें कि अन्य ट्रांसपोर्ट विमान जैसे कि AN-32 और C-295 जो इंडियन एयरफोर्स अपने एवेरो बेड़े को बदलने के लिए खरीदेगा, यानी कि भारतीय वायुसेना ने साफ तौर पर मना कर दिया कि वे HS-748 एवेरो बेड़े में किसी भी तरीके का अपग्रेडेशन नहीं चाहती और वो चाहती ही नहीं है कि हम इसे अपनी एयरफोर्स में शामिल रखें। दोस्तों आप अगली खबर की बात करते हैं तो LAC को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि LAC पर अब चीन का जो रवैया है वो नरम पड़ गया है। 5 मई को पूर्वी लद्दाख में LAC पर तनावपूर्ण माहौल बनाकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश में नाकाम रहे चीन के अब बोल सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले चीन के विदेश मंत्रालय ने सीमा पर भारत के साथ स्थिति को सामान्य बताया, तो अब भारत में चीन के राजदूत ने मतभेदों को बातचीत के जरिए मिटाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि चाइनीज ड्रैगन और भारतीय हाथी को एक साथ डांस करना चाहिए। भारत में चीन के राजदूत ने बताया कि भारत और चीन के रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि हमें कभी भी अपने मतभेदों को अपने रिश्तों पर हावी नहीं होना देना चाहिए, हमें इन मतभेदों का समाधान बातचीत के जरिए करना चाहिए। साथ ही चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि सीमा पर हालात पूरी तरह से स्थिर और नियंत्रण में है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी जरूरी है कि LAC पर जारी तनाव के बीच भारत ने कभी उकसावे वाली बातचीत नहीं की है, लेकिन मंगलवार को एक खबर आई थी जिसमें कहा गया था कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रखने के लिए कहा है। दरअसल चीन के विस्तारवाद की केंद्र में उसके दबाव की नीति है। वो कमजोर पड़ोसियों को कभी कर्ज देकर फंसाता है तो कभी अपनी ताकत की नुमाइश करके डराता है। वहीं भारत जैसे टक्कर के देश के साथ वो सैन्य दबाव बनाने की कोशिश करता है, हालांकि इस कोशिश में वो लगातार अपनी बेइज्जती करवाता है। बेहतर है दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि भारत के साथ वो सिर्फ सैन्य ताकत को दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना है, शेर है, वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। हमारा एक सैनिक उनके कई सैनिकों पर भारी है, ये बात चीन अच्छे तरीके से जानता है और अब उसकी जो सुर है वो बदले बदले से दिखाई दे रहे हैं। बाकी आपका क्या कहना है इस बारे में आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। दोस्तों वहीं पर अगली खबर की बात करते हैं तो हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल को लेकर आ रही है। नेपाल का अब सुर बदल चुके हैं जिस तरीके से चीन का बदल रहा है। दोस्तों भारत और नेपाल के बीच जारी सीमा विवाद को लेकर तल्खी बढ़ती जा रही है, लेकिन इस बीच नेपाल की संसद में देश के नक्शे में बदलाव के लिए जो संवैधानिक संशोधन किया जाना था उस पर चर्चा नहीं हो पाई और इसे एजेंडे से बाहर कर दिया गया। हाल ही में नेपाल ने एक नया नक्शा जारी कर भारत के क्षेत्र को अपने क्षेत्र पर दर्शाया था। आपको बता दें कि जब तक संवैधानिक तौर पर इस नक्शे को मान्यता नहीं मिल जाती तो इसे वैध नहीं माना जा सकता है। इससे पहले खबर ये थी कि शायद 2 बजे वहाँ के कानून मंत्री जिनका नाम शिव माया है वे इस प्रस्ताव को पेश करेंगे। इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि क्यों इसे पेश नहीं किया गया। संशोधन को पारित कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने मंगलवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर इसे सर्वसम्मति से पारित करने की अपील की थी। हालांकि दोस्तों उनकी पार्टी में भी सुर लोगों के बदले हुए हैं और साथ ही साथ वहां पर बाकी की जो पार्टियां हैं वो भी नेपाल के इस प्रस्ताव पर खुश नहीं दिख रही है। हालांकि यहां पर आप समझ सकते हैं यानी कि नेपाल में भी आंतरिक विरोध चल रहा है मैप को लेकर, क्योंकि अभी भारत यहां पर इसलिए शांत बैठा हुआ है कि अगर इसने इस मैप को लीगली किया जिसमें भारतीय क्षेत्र वो अपने में शो करता है, उसके बाद उन्हें पता है कि भारत क्या करेगा। सीधी बात है भारत ने वहां पर अपना एक्शन करना है और अपने एरिया के लिए भारत 1 इंच भी भारत अपना एरिया नहीं देने वाला है और अगर कोई कोशिश करता है तो नेपाल को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अगली खबर की बात करते हैं तो रूस को लेकर आ रही है। रूस अपनी सेना को बेहद तेज गति से आधुनिकीकरण उसका कर रहा है और अब उसने अपने पहले स्ट्रेटेजिक स्टिल्थ बॉम्बर उस पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है जो परमाणु हथियार पहुंचाने में सक्षम है, जो कि लॉन्ग रेंज एविएशन यानी कि PAKDA प्रोग्राम के लिए प्रस्पेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स के तहत है। सामरिक रूप से स्टिल्थ बमवर्षक सुखोई SU-57 सुपरसोनिक लड़ाकू के बाद रूस में दूसरा 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है और उनके जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर से जिसमें कि टुपलोव TU-22, TU-95 और TU-160 उनको इससे बदला जाएगा। रूसी समाचार की जो एजेंसी है उसने बोला कि फ्लाइंग विंग के रूप में डिजाइन किए गए PAKDA कार्यक्रम के तहत बॉम्बर के निर्माण के बारे में उन्होंने जानकारी दे दी है। एयरफ्रेम मटेरियल का उत्पादन संयुक्त विमानन निगम यानी कि UAC के संयंत्रों के द्वारा किया जाएगा। साथ ही इसका विकास कार्य भी पूरा हो चुका है और इसकी जो सामग्री है उसकी भी शिपिंग शुरू हो गई है। इस पूरी मशीन की जो लास्ट असेंबली है उसे 2021 में
पूरा होना है। रूस ने बताया कि PAKDA परियोजना को आवश्यक मंजूरी मिल गई थी, जिसके बाद टुपलोव डिजाइन ब्यूरो ने भविष्य के रणनीतिक बम वर्षक पर काम शुरू कर दिया था। PAKDA बॉम्बर अपने रडार सिग्नेचर को कम करने के लिए नई तकनीकों और सामग्रियों का उपयोग करेगा, जिससे ये दुश्मन के लिए अदृश्य हो जाएगा। हालांकि ये बम वर्षक विमान सबसोनिक होगा, लेकिन वर्तमान में रूसी शस्त्रागार में सभी एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल यानी कि ALCM को ले जाने के लिए इसे कॉन्फिगर किया जाएगा। साथ ही KH-47M किंजल और सटीक निर्देशित बम जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें भी इसमें लैस होंगी। तो दोस्तों, ये थे अभी तक की टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।